गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम दिवाली की छुट्टी में निकले हैं अपने नेटिव प्लेस जाने के लिए। और नेटिव प्लेस का डिस्टेंस है यहाँ से तकरीबन 170 किलोमीटर। और आप बैटरी हमारी देख सकते हो 58% है अभी, और तकरीबन 100 किलोमीटर चलने के बाद एक फास्ट चार्जर का ऑप्शन आएगा हमारे पास, सो वहाँ से टॉप अप करके हम आगे निकल जाएंगे। 22 किलोमीटर गाड़ी हमने चला ली है यहाँ तक, और हम पहुँचे अभी टंकारा। यहाँ से हम अगर सीधे ही चले जाए तो राजकोट आ जाएगा। यहाँ से हमको राइट मुड़ना है, राइट मुड़ेंगे तो ध्रोल होके सीधा हम जामनगर पहुँचेंगे। और जामनगर से भी आगे वहाँ से हम टॉप अप लेके आगे भी वहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर हमारा रह जाएगा। ध्रोल हम पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट, और बैटरी परसेंट दिखा रहा है 29 और रेंज दिखा रही है 65। और यहां से जामनगर का डिस्टेंस हमारा है 41 किलोमीटर। हमारी बिटिया रानी अभी सो रही है। हम अभी राजकोट जामनगर 4 लेन हाईवे पे है, जो स्टेट हाईवे है। सूर्य नारायण पूरे सर पे हमारे है, सामने ही फ्लैश लगा रहे है। जामनगर का डिस्टेंस यहाँ से अभी भी बचा हुआ है 35 किलोमीटर। यहाँ पे ये टोल आएगा, बट ये प्राइवेट व्हीकल के लिए टोल फ्री है, फोर व्हीलर के लिए सिर्फ कमर्शियल व्हीकल पे ही टैक्स लगता है यहाँ पे। सो ये बहुत ही बढ़िया बात है, गुजरात पे आप कहीं पे भी जाओ स्टेट हाईवे पे टोल लगता ही नहीं। सामने विंड मिल का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है, और आगे जिस रास्ते से हम जाने वाले हैं उसमें ढेर सारी विंड मिल आएगी, वो भी नज़ारे काफी बढ़िया हो गए। ज्यादातर विंड मिल्स यहाँ से यहाँ जो है वो सुजलोन कंपनी की है, और भी एक आध दो कंपनी है मेरे हिसाब से, बट सुजलोन काफी सालों से है इधर। गुड मॉर्निंग जाकू, शुं कले छे? सो यहाँ से अभी जामनगर का डिस्टेंस बचा है 23 किलोमीटर, और वहीं पे हम अपनी गाड़ी को चार्ज पे भी लगाएंगे। वहाँ पे चार्ज जोन का फास्ट डीसी फास्ट चार्जर है, ऐप में तो बता रहा था अवेलेबल है, बट अगर मान लो वो अवेलेबल नहीं होगा, बंद होगा, तो वहाँ से शायद हमको 15 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा फंसने वाला मामला हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है डीसी फास्ट चार्जिंग की, वो अवेलेबल हमको मिल ही जाएगा, बट कई बार वो जिस लोकेशन पे है वहाँ पे वो दिक्कत करवाता है, काफ़ी सारे फीडबैक और रिव्यू भी उसके ऐसे है। सो लेट्स सो देखते हैं आगे
क्या होता है। अभी पीछे आप देख रहे होगे, हमने गाड़ी अपनी चार्जिंग पे लगा ली है। यहाँ हम पहुँचे थे 13% पे और अभी 15 किलोवाट हमने सिलेक्ट करके डाल दिया है चार्जिंग के लिए। उतने में हम इजीली घर पे पहुँच जाएंगे। चार्ज जोन का चार्जिंग स्टेशन है और यहाँ पे नेक्सॉन पहले से ही चार्ज हो रही थी। लकीली हमें भी एक स्लॉट खाली मिल गया तो हम भी चार्ज कर सके, टाइम से यहाँ से निकल जाएंगे। और ये कुछ यहाँ का नज़ारा है, JCR मॉल है, आप देख ही रहे होंगे। और बगल में ही द फन रेसिडेंसी है और ये लोकेशन पड़ता है जामनगर बाईपास पे। और गाड़ी भी एक बार हम देख ले, 13% के हमने गाड़ी चार्ज पे लगाई थी और 17% हो भी गई है। 42 किलोमीटर की रेंज भी दिखा रही है। फिफ्टी एट परसेंट गाड़ी हमने चार्ज कर ली है और रेंज दिखा रही है 144 किलोमीटर। और जामजोधपुर का डिस्टेंस यहाँ से है 90 किलोमीटर। यहाँ से हम आगे से लेफ्ट मुड़ जाएंगे लालपुर होते हुए जामजोधपुर के लिए आगे निकल जाएंगे। और यहाँ से जो सीधा रास्ता जाएगा वो जाएगा डायरेक्ट द्वारिका, खंबाड़िया साइड में हो जाएगा, बाईपास लेके सीधा द्वारिका पहुँच जाएगा। और यहाँ से हम अभी लेफ्ट साइड मुड़ रहे हैं लालपुर की ओर। ट्वेंटी 6% बैटरी बची हुई है हमारी अभी और 59 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। और जामजोधपुर यहाँ से तकरीबन है 35 किलोमीटर। सो जामजोधपुर तो हम इजीली पहुँच ही जाएंगे। और ये रास्ते की हालत थोड़ी सी ख़राब है, सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा ख़राब होगा। ये रास्ता हमको सीधा जामजोधपुर लेके जाएगा और जिस रास्ते से हम आ रहे थे वो अगर उसको फॉलो करते तो हम डायरेक्ट पोरबंदर निकल जाते। आप सामने देख रहे हो जितनी भी लाल लाइट टिमटिमा रही है वो सभी भिन भिन है, नाइट की वजह से वो दिख नहीं रहा है साफ साफ। अगर
अगर दिन में यहाँ से गुजरते तो ये नज़ारा कुछ और ही होता। ये हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए अभी। आप देख रहे हो 16% बैटरी बची हुई है। घर तक पहुंचने में अभी 1% और कम हो जाएगी मेरे हिसाब से। सो ये थी आज की हमारी जर्नी। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।